और देखने का और समझने का नज़रिया भी अलग अलग होता है, और मैसेज को एक्सेप्ट करने का नज़रिया भी अलग अलग होता है। और अगर 100 प्रकार के लोग उसको देख रहे हैं तो उसका मूल्यांकन, इवोल्यूशन और रिजल्ट और उसके बाद जो संदेश बनता है वो 100 प्रकार का होता है। 100 लोग देखेंगे तो 100 प्रकार के मैसेज उनके दिमाग में डेवलप होंगे। तो हमारा एक जस्ट लाइक ऑर्डिनरी पर्सन जैसे ही देखता है तो उसके दिमाग में एक पिक्चर डेवलप होता है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल एक पिक्चर डेवलप होता है। और जो उसके समझ में बैठता है, जो पिक्चर बैठता है वो उसकी समझ में बैठता है और वही संदेश अपने मुंह से दूसरों को देता है। तो उसने एक ग्लोब बनाया, पृथ्वी का ग्लोब बनाया गया था, एक दो मकान बनाए गए थे और भारत देश का नक्शा बना हुआ था, साथ में वो वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया हुआ था और साथ ही भगवाकरण के सारे मतलब भगवा झंडों का वो उसमें दर्शाए गए थे। तो जो मेरे कहने का मतलब कि जो देखता है वही पिक्चर दिमाग में बैठता है और उसके बाद में वो मतलब सबके सामने मतलब शो होता है। तो वो ऐसा मैसेज देखने से पहला डेवलप होता हुआ नज़र आता है कि हमारा कहीं ना कहीं भगवाकरण हो रहा है, चाहे हमारी विचारधारा का हो चाहे हमारे समाज का हो। तो पहला आदमी देखते ही जो पिक्चर डेवलप होता है वो हमारे या तो हमारे संगठन का भगवाकरण हो गया है या हमारे आदिवासियों का भगवाकरण हो रहा है, भगवाकरण की प्रक्रिया तेज हो रही है। जो अनाउंसर ने जो उसका मैसेज का जो देने का जो एक पिक्चर बनाया, उसने जो पोस्टर बनाया, उसका जो मैसेज था असली ओरिजिनल मैसेज तो छिप गया और उनका मैसेज वो फ्रंट लाइन पर ऐसा डेवलप हो गया कि वही नजर आता है। या तो हम लोग उनको इनविटेशन दे रहे हैं या फिर हम उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं या हमारा कहीं ना कहीं टाई अप हो रहा है, क्या हो रहा है वो बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन भगवाकरण और जो मनु व्यवस्था का जो वहां पर एक निखर के आया मैसेज तो वही आम लोगों के जो समझ की बात बनी, जो ऑर्डिनरी हम लोग साधारण लोग कह सकते हैं या आम समझ की बात है, उसमें साधारण लोग आता है तो वो ये कहेगा कि ये तो फिर समझदार तो बोलेगा कि ये यार ये ठीक नहीं है, और ना समझ तो बोलेगा कि ये तो यार अच्छा है। अब अच्छा क्या है क्या नहीं है वो तो अब जो इसका जो बनाने वाले उसको पोस्टर को लगवाने वाले क्या संदेश देना था, क्या उसका अर्थ का अनर्थ हो गया या अनर्थ का अर्थ हो गया या क्या सही दिशा में चला वो तो वही लोग जानते हैं। और जो जिसको देखा जिसने देखा वो लोग जानता है कि उसका क्या मैसेज उसने निकाला। लेकिन पोस्टर का मतलब होता है जस्ट देखते ही समझ जाना कि क्या संदेश जा रहा, और उसके दिमाग में जो पिक्चर डेवलप होती है वही फाइनलाइज होती है, वही उसका बखान करता है, वही संदेश देता है, वही उसकी व्याख्या करता है। ये एक मतलब थोड़ा सा मैसेज का कई मीनिंग निकलते हुए नजर आए। हाँ, ये भी बात सही है कि उसमें हमारे देश पर उनका अटैक हो रहा है, आक्रमणकारी है, आक्रमणकारियों का अटैक होने वाला है, या ये भी इसमें ये भी मतलब ये पोस्टर होते हैं ना, या तो भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है कि इसका सही तरीके से इसका वो मतलब इसका सही मीनिंग निकाला जाए। ये मतलब हमारा मतलब एक क्या कह सकते हम, लेकिन ये चीज लोगों के आम लोगों के एक जो जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं वैसे काफी कुछ लोगों का मतलब मिलना हुआ, बोलना हुआ, उनका जो एक सीधी समझ बनी वो समझ उन्होंने अभिव्यक्त करी। और भाई मैं आपके सामने कोई मेरी समझ या मेरी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, एक कॉमन बुद्धि का जो एक टाइटल निकल के मैसेज बनता है वही मैसेज मैंने आपको शेयर किया। ठीक है, धन्यवाद दादा। गजानन मुकारी इंग्लैंड के म्यूजिक को फोन नीचे पड़ा है, अपने क्षेत्र में अभी क्या है अभी आप वीडियो में देख रहे थे जो हमारा आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन का जो पोस्टर था उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। और आइए अभी हम हैं सम्मेलन के यहाँ भोजनशाला, और यहाँ भोजनशाला पर आज सम्मेलन का तीसरा दिन है और यहाँ भोजन भी सुबह का शुरू हो गया है, कुछ हमारे साथी भोजन
अभी ग्रहण कर रहे हैं। तो अभी हम आपको मिलाते सुनील जी, सुनील जी अभी हम आपको मिलाते हैं हमारे निम्बाड़ा के शेर, निम्बाड़ा चित्तौड़ के शेर हमारे साथ हैं सुनील जी। सुनील जी से हम रूबरू करवाते हैं। सुनील जी, आप आदिवासी एकता महासम्मेलन का आज तीसरा दिन है और सम्मेलन को लेकर आप अपने अनुभव शेयर करेंगे हमारे साथ। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है यहाँ, इस तपती गर्मी में भी इतने लोग आए, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आसपास के सारे राज्यों के लोग आए, और इतनी जो पॉपुलेशन होनी चाहिए थी उतनी तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी इस तपती गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में भी इतनी जनसंख्या आई, ये बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस आदिवासी समुदाय को कि आदिवासी संस्कृति अस्तित्व अस्मिता के लिए यहाँ दरियावत में 29वें आदिवासी महासम्मेलन में पधारे, क्योंकि आज इतने दूर से लोग 1800 किलोमीटर दूर दूर से आए, क्योंकि उनमें हमारे समुदाय को बचाने की, हमारे अस्तित्व को बचाने की आदिवासियत जिंदा है, इसलिए आज वो इस भरी तपती धूप में और इतना दो दिन का सफर तय करके यहाँ आए, इसलिए और यहाँ हमारे रीति रिवाज, संस्कृति और कला जो हमने देखी है काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। और हमारे चित्तौड़गढ़ जिले से भी काफ़ी लोग आए, राजसमंद से भी काफ़ी लोग आए और भिलवाड़ा से भी काफ़ी लोग आए। हमें खुशी इस बात की कि हमारे पास में था और हमें यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद। जो युवा साथी सम्मेलन में भाग नहीं ले पाए हैं और अपने जो भील समाज के राजसमंद, भिलवाड़ा, जो मेवाड़ के हैं ज़्यादातर, उनको आप क्या मैसेज देंगे सम्मेलन को लेकर? देखो, मेवाड़ से तो बिल्कुल टच है, खांडाल की भूमि है, तो यहाँ आना चाहिए था उनको, क्योंकि पास में था। अभी इसके आगे शायद गुजरात होगा, तो मुझे पता है कि कुछ लोग गुजरात जाना पसंद करेंगे, लेकिन मैं जब 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दायरे में अगर सम्मेलन हो रहा है तो यहाँ आना अनिवार्य था उनका। जो नहीं आ पाए, मुझे तो ऐसा लगता है वो उनके लिए दुर्भाग्य की बात है कि सम्मेलन में वो आते तो काफ़ी कुछ कला, संस्कृति, आदिवासी रीति रिवाज, संस्कृति के बारे में सीखते, लेकिन उन्हें शायद ये अवसर खो दिया। हो सकता है कि इस सम्मेलन से प्रेरित होकर हम उनको अवगत कराएंगे, तो अगली बार शायद वो हमारे साथ गुजरात चले, ये अपेक्षा हम रखते हैं। ठीक, धन्यवाद आपका। हमारे साथ नाथद्वारा तहसील से भी तहसील उपाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, भील समाज के देव किशन जी। देव किशन जी से भी हम जानेंगे कि सम्मेलन का अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। आप कब से आए हैं? 3 दिन हो गए। अच्छा, कब से जुड़े हुए हैं सम्मेलन से? दूसरा सम्मेलन है। अच्छा, दूसरा जी। 28वां। क्या कुछ महसूस किया आपने यहाँ आकर? अच्छा लगा, सब स्टेट के आदिवासी आते हैं, उनसे मिलना हो जाता है। ठीक, आपका धन्यवाद। मोहन जी सरपंच सर हमारे साथ हैं और हम इनसे भी जानेंगे कि आपका सम्मेलन को लेकर क्या अनुभव है, आप हमारे साथ शेयर करेंगे। प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म दो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मित्रों, और आप सभी वडेल भाइयों का हमारे चैनल पर स्वागत है। हाँ जी सरपंच, मेरा नाम मोहन है और मैं राजस्थान के उदयपुर जिले के खेरवाड़ा तहसील का रहने वाला हूँ, और पिछले 2-3 बार मैं सम्मेलन में हिस्सा लिया, मैंने डाखंड कोटरा उदयपुर में भी हिस्सा लिया था 2017 में, उसके बाद जाम्बुआ में भी मैं हिस्सा लिया था, और अभी तीसरी बार हम आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन में हिस्सेदार बने हैं। इससे हमें संस्कृति, हमारे समुदाय के जो हक अधिकार है, अभी वर्तमान में हमारे समुदाय के साथ किस तरह की संघर्ष कर रहा है और किस तरह से हमें डेवलप करके हमारी संस्कृति, हमारे समुदाय के हक को बचाने का जो हम सीख रहे हैं, या फिर हमें अनुभव हो रहा है कि हमारी संस्कृति एक अनोखी है और आज कहीं ना कहीं संस्कृति हमारी लुप्त हो रही है, उसको बचाने के लिए हमें एक संदेश मिला, और यूथ है हम जो आने वाले हमारे समुदाय को कैसे संस्कृति को अवेयरनेस कर सकते हैं, उस पर हमारी समझ बनी और हम आगे और कल्चर में हम भागीदारी इच्छा बनेंगे आने वाले समय में और ज़्यादा। और अभी वर्तमान राजस्थान में अपने पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने के कारण यूथ नहीं आ पाया जी, ज़्यादातर हमें ये लगता है कि जो युवाओं को सीखने की ज़रूरत है, हमारी संस्कृति, कल्चर, हमने अन्य संस्कृति को अपना लिया है, उसको हम कैसे समझ के आगे बढ़े, यही हम युवाओं को अभी आने वाले समय के लिए संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद। आपकी जी हाँ हाँ, केलाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, केलाज जी से भी जानेंगे सम्मेलन को लेकर आपको क्या कुछ
सम्मेलन को लेकर हमें अपने आदिवासी की जो संस्कृति है वो हमें सीखने मिलती है। जो अलग अलग राज्य से जो लोग आते हैं वहाँ की संस्कृति भी हम को सीखने मिलती है, और लोग वहाँ पर उनका रीति रिवाज और पहनावा कैसा है। राजस्थान झारखंड से गुजरात से जो लोग आते हैं उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। जी आपकी जय। अभी मैं आपको ले चलता हूँ भोजनशाला में, भोजन प्रसादी अभी चालू हैं और भोजन में आप देख सकते हैं चावल, लाफी और दाल, ये अपने खाक के पत्ते पर जो आदिवासी इस टाइप से जो हमारे घर में और हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में इसी तरह पातल वगैरह में काम में लेते हैं, जो आप देख सकते हैं। ओ, हाँ हाँ, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अच्छा, कब से हैं सम्मेलन में? सर रात से आया हूँ। अच्छा अच्छा, रात के 10 बजे से। और कितने लोग पधारे अपने वहाँ से? अपने वहाँ से सर 2 गाड़ियाँ आई। अच्छा अच्छा, सब बढ़िया बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद।